प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अब केवल 10 दिन का समय शेष बचा है, जिसके चलते अब सभी विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशी के चुनाव प्रचार में तेजी आना शुरू हो गया है। और विशेष रूप से कहा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर प्रत्याशी मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान करने को लेकर कहने का कोई अवसर नहीं छोड़ रहे हैं। इस महीने की 25 तारीख को पूरे प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चित्तौड़गढ़ जिले की 5 विधानसभा क्षेत्र में अब मतदाताओं को लुभाने के लिए प्रत्याशी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं, जिसमें 2 बार के चित्तौड़ के विधायक रहे चंद्रभान सिंह इस बार भाजपा से टिकट नहीं मिलने के चलते निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतरे हैं, जिसके चलते अब यहां पर रोचक त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिलेगा। जनसंपर्क के दौरान चंद्रभान सिंह ने कहा कि उनके 10 वर्ष के कार्यकाल में चित्तौड़गढ़ में विकास के लिए कई आयाम स्थापित किए गए हैं, और सर्वे के दौरान भी उनका नाम पहले नंबर पर था, फिर भी पार्टी ने उनका टिकट काट कर एक बार बाहरी नरपत सिंह को यहां से प्रत्याशी बनाया है। चिंता मत करो, यो बद्री भी एक जाट को बेटो है, तेजा जी को वंशज है, और बचपन में आप ही लारे रिया, आप ही आमों को साथ देता आया, और ये बद्रियो एमएलए भी रहेगी हो, जिला प्रमुख भी रहेगी हो, जिंदा डेयरी चेयरमैन भी रहेगी हो, जिला परिषद भी रहेगी हो, और मैं भू विकास बैंक का चेयरमैन भी हूँ, पर सभी तरह दाव दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मेरा राजनीतिक जीवन जीरो भी भेजा नहीं, जो मेरे मंजूर है, पर चंद्रमान जी मुद्दा को साथ दूंगा, और ये चुनाव ने आप ही उठाऊंगा, और ये चुनाव ने आम जनता लड़ेगा, और ये चुनाव ने आप ही जीतांगा, और लोगों ने सबक सिखाऊंगा, मेरी गारंटी है। 5-6 तारीख ने इकट्ठी हुई, फार्म भरवा रहे, भी लाखों की तादाद में संख्या आई, अड्डा का जो बीजेपी चुनाव लड़ रहा है, बड़ा एक शब्द क्यों, क्या तो डूंगरपुर बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की जनता है, चित्तौड़ की तो खाली 400-500 लोग है, वे भी कच्ची बस्ती का लोग है, जो 200-300 रुपए दे लाया, आपना मनका ने कच्ची बस्ती का गिरा, आपना मनका की वैल्यू 200-300 रुपए बता रहा, ऐसा लोग बता रहे हैं, ऐसा लोगों ने सबक सिखा हुआ की जरूरत आप लोगों ने मिलो है। नरपत सिंह जी राजी, वे 15 साल पहले एमएलए रहा, 3 बार रहा, पर कभी कार्यालय नहीं खोजो, कभी ऑफिस नहीं खोलो, कभी चाय नहीं पी, और कभी खड़ो रहने की जगह नहीं, कहीं के काम हो तो सर्किट हाउस जा, और कहीं कहीं के थ्रू वाला कहलाने पर तो बात करनी पड़ती, डायरेक्ट कोई बात कर सकते हो, आप बताओ खुद बात कर सकता है राजू साहब, ये सभी बेटा है नहीं कर सकता नहीं। और दूसरा जो कांग्रेस जो चुनाव लड़ रहा है, बड़ा की पोजिशन नहीं बड़ा, 30-35 साल भी राजनीति करता करता खतरा 35 साल, और बड़ा ने बड़ा बोर्ड का अध्यक्ष भी बनाया, 5 साल निकलिया, 5 साल को हिसाब किताब ले लो, ज्यादा पहले को हिसाब किताब मत लो, 5 साल में अटे चित्तौड़गढ़ की जितनी भी धार्मिक जगह है नहीं, वह सब अग्नि एग्रीमेंट में गया है, लक्ष्मीनाथ की मंदिर की जगह है, अणा की बेंच चेयरमैन ही, और मैंने कहा हाथ तो पट्टा कार्ड भेज दा, ठाकुर जी का मंदिर पर खड़ा हूं, ईमानदारी की बात करूं, और अभी मंदिर में जाना तो होरी पर लेना वाग, होरी पर मेलना वाग, मेलना वाग, भी मंदिर की जगह भेज दी, मोटी चीज की भेज गए, और दूसरा अजी नजी कब्रिस्तान की दूजी तीजी नरी एग्रीमेंट करे क्या, भी कोपे में मारा भाई, अगर जन चाहे तो कोपे दे दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं, और चुनाव में पहली भी क्यों आप लड़ रहे हो, राजू साहब जीतने की पोजीशन में है गई बोनी, तो अपना बोर्ड अगर 10 भी बिगड़ रहा है, देखो मेरी बात सुनो, मैंने लाग रहे हो भी जमानत की मेरे को नहीं, बात समझ में, अगर थोड़ा का आप ध्यान रखो नहीं तो मामलों हार भी बैठ सके, तो अनिवास से आप लोगों ने मारो कहना है, कोई बोर्ड अटमुंड जा रहा है नहीं अपना वाला, तो वाला को डब्बा मत पड़ रही, मारी बात सुनो, वोटर राकोड़ा मत उड़ाओ, कोई मतलब नहीं है, मारी बात सुनो, जो चुनाव जीत लो नहीं, आप पूछ लो पूरी विधानसभा में, आप शहर का मेले भी हो, शहर में भी पूछ लो, कशा भले भोज के पूछ लो, भले चंद्रिया में पूछ लो, कुमार नगर पूछ लो, प्रताप नगर पूछ लो, सिटी में नहीं पूछ लो, क्या चुनाव कौन जीत लो, आप किसी गांव में छेड़ी जी पंचायत है, किसी गांव में पूछ लो क्वेश्चन भी है, तो आप सब लोगों ने हमारी विनती है कि यानी चुनाव ने आप सब लोगों ने वार्ड पंच का सरपंच का टाइप लड़ लो।